Uh, कपड़े में uh, ख, खड़ा हुआ कोई खड़ी हुई कोई औरत दिखी hmm. वो घबरा गया hmm. तो वो बोला कि भाई आधी रात को जंगल का इलाका है चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है और वो वहाँ से तुरंत भाग गया लड़कों के लिए क्या होता है कि भाई दिखने में अच्छी है और फिगर अच्छा Bombay. है और हाँ बॉम्ब है और कुछ जगहों पर ज़्यादा नजर जाती है और बस खत्म फिट फॉर रिपोर्डक्शन कैपेसिटी है इसमें, that is it. Guys को बस ये चाहिए। नमस्ते आदाब और जय श्री राम तो गाइस आज के टॉक शो के एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो जिस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है जैसे कभी साइंस कभी जियोपॉलिटिक्स और इनकी नॉलेज ये आज आपको इस वीडियोस में दिख जाएगी कि क्या बंदे हैं भाई क्या हाल है गौरव भाई बस बढ़िया भाई के 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब विद द नेम ऑफ गौरव ठाकुर राइट यस और गोरु गेट सेट फ्लाई साइंस इनका एक और चैनल है जिसपे सिक्स पॉइंट समथिंग सिक्स कुछ समथिंग तो अगर टोटल आपके सब्सक्राइबर्स की बात करें यूट्यूब पे कितने होंगे भाई ग्यारह बारह ग्यारह बारह के करीब कर अरे भाई देख रहे हो तो ये हमारे भाई जनरली बनाते हैं सारे फैक्चुअल वीडियोस तो हम देख सकते हैं कि फैक्ट वाली वीडियोस भी कितनी अच्छी चलती है क्योंकि कई सारे मेरे पास बंदे आते हैं कि भैया हम फैक्ट की वीडियोस बना रहे हैं हमारी चल नहीं रही व्यूज़ नहीं आ रही भाई इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अच्छी नहीं है जिसकी अच्छी होती है उनके व्यूज़ भी आते हैं और सब्सक्राइबर भी आते हैं और पैसे तो आते आते हैं क्यों भाई बिल्कुल तो भाई बताना चाहोगे कि कैसे जर्नी स्टार्ट की और कैसे तुम इतने पॉपुलर हो गए या बेशक शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा सा सही यस यस बिल्कुल सो बात कुछ ऐसी है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं मेरे मेरा जो इंटरेस्ट था मैंने उसके हिसाब से इस मेरे यूट्यूब के जर्नी को अलाइन किया था मुझे साइंस में बहुत रुचि थी रिसर्च करने का बहुत शौक था चीजों को डेप्थ में समझने का फंडामेंटल समझने का बहुत शौक था बेसिकली अंडरस्टैंड करने का ना कि रटने का जैसे एजुकेशन सिस्टम में आजकल एक होड लगी हुई है मार्क्स की तो अब मुझे मेरे जो नॉर्मल रेगुलर जॉब था वो टाइम पे मैं पहले जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में वहाँ पे तो ये काम करने नहीं मिलता था तो मैं सोचा यार ऐसा कौन सी ऐसी कौन सी दूसरी आ, दूसरा मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ जहाँ पे मैं ये काम कर सकूँ जो मुझे पस, पसंद है फिर बाद में यूट्यूब के बारे में पता चला यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया और लकीली वो टाइम पे साइंस वीडियोस कोई नहीं बना रहा था एक दो चैनल्स थे जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे थे और उनके वीडियोस भी उतने अच्छे नहीं थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इनसे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया और आई थिंक लोगों को जरूरत थी इसकी लोगों को कंटेंट चाहिए था जो उन्हें नहीं मिल रहा था और वो कंटेंट उनको मिल गया उनको प्रोवाइड करा दिया गया तो फिर उससे चैनल अपने आप शूट हो गया कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि यार अपने आप को सिर्फ साइंस में क्यों रेस्ट्रिक्ट करने का ये एक रीज़न था और दूसरा रीज़न ये था कि अगर मुझे ऐसा चाहिए था कि क्योंकि मैं साइंस को इस तरीके से देखता हूँ कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है साइंस एक माइंड है लाइक like, आपके आपके दुनिया को देखने का एक फ्रेमवर्क है एक नजरिया है राइट right? अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग देखते हैं चप्पल उल्टा है तो सोचते रहे पनौती लगेगी तो ये साइंटिफिक फ्रेमवर्क का टोटल उल्टा है क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो प्रूव कर सकता है कि चप्पल उल्टा रख के पनौती लगेगी राइट right? साइंस ये बता सकता है कि मे बी लाइक आपने उल्टा रखा तो उसमें से कुछ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपके आप, आपके यू नो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे आपके फूड फूड के थ्रू आपके इधर जाके इन्फेक्शन्स क्रिएट करे डिजीजेस क्रिएट करे वो ठीक है तो साइंस के नज़रिए से हम चीज़ों के फंडामेंटल्स को, को समझ सकते हैं हम गुरुत्वाकर्षण को समझ सकते हैं हम साइकोलॉजी समझ सकते हैं लोगों से आप बिजनेस करते हो तो लोगों से कैसे बात करना है कैसे उनको स्पेशल फील कराना है कैसे अपना ब्रांड बनाना है कैसे अपने आप को लोगों के सामने लाना है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है हर चीज़ का प्रॉब्लम साइंस दे सकता है राइट और साइंस इतना एडवांस आज के तारीख में हो चुका है

विलन तक पहुंचता है फिर बाद में चीज़ें ये होने लगती है तो एक कॉज एंड इफेक्ट हैरी पॉटर की मूवी होकर कलेक्ट करना है उससे ये होगा तो हमें कॉज एंड इफेक्ट बहुत पसंद है लेकिन बात यह कि हमें स्कूल्स में पढ़ाया वैसा नहीं जाता नहीं। हमें यह पढ़ा जाता है रटो क्या चीज़ से क्या होता है फंडामेंटली क्या हो रहा है वो कोई नहीं बताता राइट तो इस वजह से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता तो साइंस के थ्रू मेरा ये काम था कि लोगों में वो क्यूरियोसिटी को जगाएं और मैं ये देख रहा था कि लोग हमेशा यह सोचते हैं कि चैनल के आगे साइंस आ गया गेट सेट फ्लाई साइंस तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे काम की चीज नहीं है राइट फॉर एग्जाम्पल एक कॉमेडी चैनल कोई भी देख लेगा उसमें आप ये नहीं सोचते कि मैं साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स बैकग्राउंड से आर्ट्स से हूँ लेकिन साइंस चैनल देखने से पहले हर कोई सोचता है यार मैं तो कॉमर्स फील्ड से हूँ मेरे क्या काम का तो मुझे वो माइंडसेट तोड़ना था इसीलिए मैंने गेट सेट फ्लाई फैक्ट करके चैनल बनाया कि चलो फैक्ट के थ्रू अगर एक इंसान मुझे जानता है मुझे पहचानता है तो मेरे साइंस वीडियोज़ भी देख सके तो वो रीज़न था मैंने फैक्ट खोला और फिर फैक्ट में मैं दूसरे वैरायटी ऑफ जॉन्ड्रास को कवर करने लग गया जियो जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था ये एक ऐसा भी प्रोजेक्ट था जिसमें मैं खुद को भी और एक्सप्लोर कर सकूँ बिकॉज मेरा ये बिलीफ है कि एक इंसान को अपने जीवन काल में हमेशा एक पॉलीमैथ बनने के लिए एस्पायर करना चाहिए पॉलीमैथ मनजे दिस इज द मराठी वर्ड मैं मुंबई से हूँ बेसिकली सो या सो पॉलीमैथ का मतलब ऐसा हो गया कि एक इंसान जिसके पास एटलीस्ट कोई तीन फील्ड्स में अच्छा खासा नॉलेज है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जैसे बिजनेस हो गया वो एक फ़ील्ड हो गया एंट्रप्रिनरशिप जिसको बोल सकते हैं फिर जियो हो गया फिर एक साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर बायोलॉजिस्ट हो गया ठीक है या फिर साइकोलॉजिस्ट हो गया कोई भी या फिर एक टेक्नोलॉजी के डोमेन में कोई जैसे मशीन लर्निंग जिसने किया है कोई भी एक फ़ील्ड का डीप कोई थियोलॉजी हो गया कोई फिलॉसफी हो गया डेप्थ में उसके पास एटलीस्ट तीन फील्ड का ज्ञान होना चाहिए ये मेरा वो है तो मैं वैसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका साइंस में इतना इंटरेस्ट था हाँ। आप फैक्ट्स में आए ये पॉडकास्ट को आपको कैसे शौक चढ़ा कि अब मैं पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर देता हूँ सो so, जैसे मैंने बात किया कि जमाने के हिसाब से बदलना हाँ। देखिए मेरा ये मानना है कि प्रकृति सबसे आगे है और प्रकृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको बोलते बदलाव बदलाव चेंज इज ओनली चेंज इज ओनली थिंग दैट विल नेवर चेंज और अभी ऐसा हो चुका है कि पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है मैं कंटेंट नहीं बोलूंगा मैं स्ट्रैटेजी बोलूंगा इसके मल्टीपल एडवांटेजेस सबसे पहला एडवांटेज आपकी पी ठीक है आप अभी मैं आपके साथ देख रहा हूं आप mm. अपने फील्ड के एक बड़े नाम है mm. तो आपके जो फॉलोवर्स मुझे देख रहे हैं वो बोलेंगे यार ये तो इनके साथ बैठे हैं mm. मेरे फील्ड के जो फॉलो follow, फॉलोवर्स है वो Welcome. आपको मेरे साथ देखेंगे आपकी पीआर इमेज बढ़ेगी तो पीआर नंबर वन ठीक है हमें कितना टाइम लगा हमें सिर्फ एक घंटा लगा लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ दिख गए ऑडियंस के सामने नंबर टू हो गया आज के जमाने में

तो जनता को भी जनता को भी एग्जैक्टली exactly, हम दोनों की बातों से कुछ सामने निकल के आएगा राइट तो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम जब खुद बनते चले जा रहे हैं तो हम जनता जनता को भी भी कुछ अंश के उनको भी दे, दे तो contribution है तो सबका ग्रोथ हो सकता है तो ये कुछ एडवांटेजेस मुझे दिखे और मैं आपको बता रहा हूं अभी धीरे धीरे जैसे आपने होगा हर यूट्यूबर हर जोनर का यूट्यूबर अपना एक

ठीक है नंबर टू क्या है कि बहुत सारे बिजनेसेस भी पॉडकास्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एज स्पॉन्सर्स एग्जैक्टली क्योंकि उनको लगता है कि यार मी एज अ फाउंडर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ मेरी पर्सनालिटी मेरे माइंडसेट बिहाइंड द प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करें तो पॉडकास्ट उनको प्लेटफॉर्म देता है तो जैसे अभी आप खुद भी एक एजेंसी चला रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तो आप भी यह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके एजेंसी का काम यह हो जाएगा कि भाई करना बिल्कुल यही होने वाला है राइट right. अच्छा हाँ। <laughs> <laughs> तो साइंस, हाँ। तो साइंस का कोई कनेक्शन है क्या सच कहूं तो नहीं सो अच्छा। so, साइंस के हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है अब मैं यहां पे थोड़ा क्लियर होना चाहूंगा कि साइंस ऐसा नहीं कहता कि भूत होते ही नहीं है साइंस ये कहता है कि हमारे पास भूतों का कोई एविडेंस नहीं है राइट right? तो अब भूत हो सकते नहीं हो सकते ये यूनिवर्स में हो सकते पैरेलल यूनिवर्स में हो सकते किसी और ग्रह में हो सकते हैं भूतों का डेफिनेशन लोगों के लिए अलग हो सकता है कोई बोलेगा आत्मा भूत है कोई बोलेगा कि मॉन्स्टर्स भूत है कोई बोलेगा जॉम्बीज भूत है कोई बोलेगा बोले गलत लोग भूत है गलत mm. इंसान जो mm. साइकोपैथ कोई मर्डर mm. करना चाहता है तो कहने का मतलब mm. ये है कि हमारे पास जो जो जनरल भूत डिस्क्राइब्ड होता है कि एक आत्मा रीबर्थ ठीक है या फिर किसी की तमन्ना है बदला लेने की कोई आत्मा जो बदला लेने आती है किसी के भी शरीर में चली जाती है उसको एज अ होस्ट यूज़ करती है और फिर कत्ल करती है ये सारी चीज़ों के पीछे कोई एविडेंस नहीं है कोई ऐसा फंडामेंटल फिजिक्स क्योंकि देखो हमारी दुनिया कैसे चलती है अभी साइंस क्या है ए ग्रुप ऑफ थियोरीज है एक एक्सप्लेनेशन है एक मॉडल है जो हमारे फिजिकल रियलिटी वास्तविकता को हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए हेल्प करता है क्योंकि मेरे पास एक थियरी है फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले जब पीरियोडिक टेबल बना था तो बहुत सारे उसके एलिमेंट्स मिले नहीं थे लेकिन वो प्रेडिक्ट हो गए थे बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर एटॉमिक एटॉमिक वेट एंड ऑल दैट स्टफ़ उनके प्रॉपर्टीज़ उनके इलेक्ट्रॉन्स uh, किस तरीके से क्या किस ऑर्बिट में है कितने उनका एटॉमिक नंबर क्या पहले से उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर ली गई थी और फिर बाद में वो मिले राइट right? तो वो प्रेडिक्शन पहले कर ली जाती सो so, इस वजह से हमें एक साइंटिफिक परस्पेक्टिव से घोष्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है hmm. क्योंकि सच कहूं तो एक चीज है कि ह्यूमन्स को कहानियां बहुत पसंद है बिल्कुल सदियों से पसंद है <coughs>

को आप एक मूवी देख रहे हो जब भूत का टॉपिक आता है तो आप आपक, आपके इमोशंस उस तरीके से एंगेज हो रहे होते हैं तो इससे होता क्या है कि हम नेचुरली उस टॉपिक पर घुसते रहते खोदते रहते लेकिन अगर हमारे पास साइंस के फंडामेंटल्स का नॉलेज नहीं है तो हम चीजों को सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर रीड करते हैं कि अच्छा भांगड़ में एक भूत दिखा बस खत्म लेकिन हमें सवाल पूछना चाहिए कि भूत दिखा क्यों दिखा और भूत दिखना मतलब क्या होता है और भूत ही क्या होता है तो भूत क्या है भूत के फंडामेंटल लेवल पे डेफिनेशन क्या है तो हम कहते हैं कि भूत दिखा लेकिन बात यह है कि भूत को कहते हैं कि भूत इनविजिबल होता है दिखता नहीं है ऐसा भी बोलते हैं कि भूत दिखाई नहीं देता mm. राइट तो एक <laughs> चीज है जो दिख रही है जो नहीं दिख रही है तो ऐसा तो कोई स्टेट ऑफ मैटर तो है नहीं जो एक टाइम पे दिख रहा है एक टाइम पे नहीं दिख रहा अब ये कैमराज है आज दिख रहे कल भी दिखेंगे mm. चलो आइस की एग्जाम्पल ले लो उसका स्टेट चेंज हो रहा है मे बी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है लेकिन वो दिख तो रहा है उसके पार्टिकल्स को हम वो कर सकते हैं लाइक हम मेजर कर सकते हैं कि क्या पार्टिकल्स है कहने का मतलब ये है कि ये हमारा डर है फियर के टाइम पे बहुत ही ब्यूटिफुल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होने लगती है तो आपका दिमाग आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो एड्रेनलिन रिलीज करता है टेक्निकली नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है बट वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एड्रेनलिन में और एड्रेनलिन का असर आपके शरीर में ऐसा होता है कि आपके हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाते हैं फास्ट धक 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 तो जब भी, भी आप डर में रहते हो तो आपके मे बी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रॉन्गटे mm. क्यों खड़े होते हैं क्योंकि क्योंकि आपको कांप छूटने लगती है मतलब शरीर ये चाहता है कि लाइक आपके आपके पोर्स खुले और बेसिकली एक एक्सचेंज एक हो दूसरे तरफ आपके जो ब्रोंकस होता है मतलब आपका जो लंग्स है वो खुल जाता था कि आप सांस ज़्यादा लो क्योंकि आप या तो फाइट करोगे या तो फ्लाइट करोगे mm. भागोगे तो सांस नहीं ले पा रहे हो तो मतलब सांस लेने में बेहतर है आपके आपके मसल्स में ज़्यादा ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लग जाता है ठीक है कुछ ऐसे हम बोलते हैं ना कि आ, यार वो टाइम पे तो उसके पास एक अलग ताकत आ गई थी राइट क्यों क्योंकि आपके मसल्स एनगोर्ज हो चुके ब्लड से तो ये सारे जो हरकतें हो रही है हमारे दिमाग में हॉर्मोन्स करा रहे हैं। और उस टाइम पे हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं हाइपर सेंसिटिव मतलब हमें चीज़ें दिखाई देने लगती है अक्सर या हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है ये कुछ लोग तो हेलोसिनेशन भी करने हेलुसिनेशन भी हेलुसिनेट भी करने लगते हैं जिसको हम एंगजाइटी अटैक्स पैनिक अटैक्स कहते हैं राइट तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस का हमारे शरीर पे इस तरीके से असर होता है मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जैसे हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं mm. तो हमें आसपास हर जगह पे ऐसा लगने लगता है कि भाई क्राइम होने हाँ वाला है क्रिमिनल है है हर कोई क्रिमिनल राइट right? <laughs> तो यही एग्जाम्पल यहां पे भी है लेकिन यहां पे क्या है कि अभी अभी आपके हॉर्मोन्स एक्टिव हो गए mm. वो आपको हर हाल में बचाना चाहते हैं एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी थ्रेट तो आपको चीजें दिखने लगती है जो कि है नहीं राइट वास्तविकता में या फिर दिखने से पहले ही आप उससे डरने लग जाते हो ठीक है तो ये हाइपर सेंसिटिव जो हम हो जाते हैं उसके वजह से काइंड kind ऑफ of बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमें भूत का एहसास हुआ हमें भूत दिखा हमें ये हुआ कुछ लोग को तो यार मिराजेस भी दिख जाते हैं लाइक कोई कहीं पे कुछ चीज़ दिख गई तो उसको वो मैं एक आई uh, थिंक uh, uh, आप मंगेश को शायद जानते रहोगे स्टार मीडिया mm, mm. हाँ तो uh, वो उसके साथ हम मिले थे हम टहल रहे थे तो उसने बोला कि उसके गांव में वो एक बार स्कूटी चला बाइक चला रहा था तो सामने अचानक से रात को आधी रात को एक सफ़ेद कपड़े में आ, ख, खड़ा हुआ कोई खड़ी हुई कोई औरत दिखी वो घबरा गया नहीं। नहीं। वो बोला कि भाई आधी रात को जंगल का इलाका है चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है और वो वहां से तुरंत भाग गया फिर वो सुबह वहां पे उसी एरिया में वापस से आया तो बाद में पता है किसी ने कपड़ा सुखाया था

हम अंधेरे में नहीं जाते थे हाँ आज नहीं लगता हाँ आज हमें अंधेरे में कहीं भेज दो हाँ क्योंकि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटेड प्रूफ है कि भाई मैं आज तीस साल तक मैं अगर मैं बड़ा हो चुका हूँ और अभी तो तक मुझे भूत नहीं, नहीं दिखा, दिखा तो शायद आगे भी नहीं दिखेगा बिल्कुल <laughs> राइट अब एक चीज़ और बताओ जैसे भूत वर्सेस साइंस तो आपने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया लव वर्सेस साइंस को कैसे साइंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे यार लव वर्सेस साइंस को ये ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग so, देखो साइंटिफिक थियोरी का mm. जो कहना है लव mm. के बारे में mm. वो एक्चुअली मतलब देखो लव एक तरीका है mm. जिससे कि एक जिससे कि कॉपुलेशन यानी रिप्रोडक्शन हो सके ठीक mm. है एक मेल में और एक फीमेल में बिकॉज साइंटिफिक थियोरीज के हिसाब से रिप्रोडक्शन करना नंबर वन प्रायोरिटी है बिकॉज डी एन ए मोलिकुलर बायोलॉजी के लेवल पे डी एन ए का काम है सिर्फ रेप्लीकेट होना मतलब मल्टीप्लाई होना ठीक है और डीएनए <coughs> मल्टीप्लाई होता है इसीलिए इतनी सारी प्रजातियां हैं इसीलिए हम विकसित हो पाए वरना तो एक आई से जागे या सर्वाइव हो जाते राइट तो डीएनए का एक ही काम है डीएनए का नेचर ही ऐसा जैसे आग फैलता है वैसे डीएनए की वो प्रॉपर्टी है डीएनए इंटेलिजेंट नहीं है डीएनए ये नहीं सोच रहा कि यार भगवान ने ये कहा है कि हमें हमें तादाद में बढ़ना होगा या यू या, नो you know, शायद बढ़ना ज्यादा लॉजिकली सही है डीएनए के पीछे कोई लॉजिक नहीं है डीएनए उसका नेचर है अब आग क्यों फैलता है हम नहीं बोल सकते उसके पीछे केमिस्ट्री है राइट बायो केमिस्ट्री है डीएनए के पीछे सो so, डीएनए का जो मेन गोल है वो गोल को पूरा करने के लिए हमारा शरीर उस हिसाब से बना हुआ है हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे सारे शरीर में जो भी सिस्टम्स है सब कुछ उसी गोल को पूरा करने के लिए बने हुए हैं तो लव एक ऐसा साइकोलॉजिकल कह सकते हैं साइकोलॉजिकल केमिकल लोचा है ठीक है जिसमें लव आपको ऐसा फील कराता है कि भाई यही वो बंदा है या बंदी है जिसके साथ शा, शायद मुझे संभोग करना चाहिए राइट right? वो आपको ऐसा फील कराता है उस वक्त अब हो सकता है कि वो रैशनल हो या हो सकता है कि वो इ हो क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है ऐसे लड़कियों को लगता है अरे क्या क्या इसने चेन निकाल के इधर उधर घुमाया क्या चेन इसने लटकाया अपने इसमें और पुलिस वाले से क्या इसने बात की एकदम स्वैग से ठीक है अरे क्या काम नहीं करता है किसी के बाप की नहीं सुनता ठीक है बहुत सही बंदा है ये ए, तो ये वो टाइम पे बहुत अल्फा लगेगा ठीक है ऐसा लगेगा अरे भाई माचो मेल ठीक है बट देन एक बार संभोग हो गया ए, उसके बाद अकल ठिकाने पे है जब मालूम पड़ा भाई ये कमाता धमाता कुछ नहीं है बॉस से झगड़ा करके आ गया ठीक है तो तब उसको फिर समझ में आता है कि भाई शायद मैंने इ सोचा था उस वक्त मेरा जो डिसीजन था वो इेशनल था हाँ लड़, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है लड़कों भाई क्या लड़की है दिखती क्या मस्त है ठीक है भले भले पे पे भेजा खाली भले यहाँ पे <laughs> दुनिया भर के प्रॉब्लम्स ठीक है दुनिया भर के प्रॉब्लम्स कि मतलब उसको किसी की कि सुन के नहीं ले सकती कोऑपरेटिव नहीं।, नहीं है जो, जो भी एक्स एंड एक, एक 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 वाई प्रॉब्लम इरिटेटिंग है इरिटेटिंग है ठीक है बहुत ही उसको बाबू सोना चाहिए होता है वो गले पड़ू है

अपने अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करके एक रैशनल परस्पेक्टिव से भी देखना है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए आपको जो चीज़ ज़िंदगी में चाहिए क्या वो इस पर्सन में है क्या वो मैच हो रहा है आप जिस टाइप की लाइफ को जीना चाहते हो आपके जो प्रायोरिटीज़ है आपके जो वैल्यूज़ है आपके लाइफ आपका लाइफ आगे जाके किस मार्ग पे चलने वाला है क्या ये बंदी वहाँ पे कंपैटिबल फिट हो सकती है कि नहीं एंड द सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल कि ये लड़का उस तरीके से सही है कि नहीं राइट right, मेरे भी जो भी जो लाइफ के प्रायोरिटीज है hmm. तो यहां पर एक रैशनल डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लव तो एक एक तरीके का अर्जेंसी क्रिएट करने वाला जज्बात है लेकिन आप अर्जेंसी के चक्कर में जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकते बेसिकली मैं बोलूँ तो आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है जो आजकल के लड़का लड़की हैं वो जनरली क्या होता है चार बॉयफ्रेंड बदल दिए चार गर्लफ्रेंड्स बदल दिए आपने hmm. बहुत सुना होगा अभी हाँ. अभी बड़ा अभी वो बिग बॉस में देख रहे थे वो

मेटिंग बिहेवियर सेक्शुअल सिलेक्शन इन पर्टिकुलर ठीक है क्योंकि एक होता है जैसे डार्विन ने कहा था कि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है और एक होता है सेक्शुअल सिलेक्शन जिसके बारे में स्कूल्स में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता सेक्शुअल सिलेक्शन यह है कि ऐसी क्या एबिलिटीज ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पर्सन को रिप्रोडक्शन में बेनिफिट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो फीमेल्स का जो फीमेल्स का जो फीमेल्स uh, का जो uh, कह सकते हैं कि जो Uh, एक बेसिक मेकअप होता है वो ये होता है कि फीमेल्स आर मोस्टली लुकिंग फॉर अ गाय जिसके साथ वो सीरियस हो सके बिल्कुल राइट right? और उनके लिए लव का डेफिनेशन mm -hmm. ये है कि लव कि का डेफिनेशन और लव की यूटिलिटी देखो लव एक ऐसा इमोशन है जो एक यूटिलिटी को सर्व करता है रिप्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द ऑफ द पर्सन क्योंकि ये हमारे दो सिक्योरिटी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ये हमारे दो क्योंकि अगर आप जिंदा हो तभी तो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे जिंदा ही नहीं हो तो क्या रिप्रोड्यूस करोगे तो लव एक ऐसा यूटिलिटी है तो फीमेल के लिए लव की यूटिलिटी ये है कि बेसिकली अगर उसको किसी एक पर्सन से फील होता है लव तो वो उस पर्सन से रिलेशनशिप कर सकती है और वो पर्सन के साथ ऑब्वियसली वो मेट करेगी बट एट द सेम टाइम वो लंबे समय तक उसके साथ रहेगी और वो पर्सन हैज़ टू बी समवन जो कि सोशल स्टेटस में हाई है क्यों क्योंकि फ़ीमेल्स का लव मोस्टली ज़्यादा गेड होता है टूवर्ड्स रिसोर्सेस, ठीक है गाइस को लुक्स के बेसिस पर फीमेल्स की तवज्जो थोड़ी कम होती है अनटिल अ पॉइंट की मतलब जब तक वो लुक्स के वजह से पैसे नहीं कमा रहा तो वो बात अलग है ठीक है क्योंकि वो अब पैसे कमा रहा है फीमेल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है वो वो रिसोर्सेज होता है और सोशल स्टेटस होता है कि ये बंदा कितना आ, आ, और और स्टेटस आ, मतलब मैं सोशल स्टेटस से ये भी बोलूँगा कि हाउ ही और शी इज़ अ पर्सन एज अ पर्सन मतलब हाउ ही इज एज अ पर्सन उसमें उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स है क्या इनर क्वालिटीज़ है कि वो उसको आगे सक्सेसफुल बना सकता है ठीक है तो फीमेल्स एक इंसान को बहुत ही एक एक गाय एक, एक इंसान एक मेल को बहुत ही स्क्रूटिनी से देखती है लड़कों के लिए क्या होता है कि भाई दिखने में अच्छी है और फिगर अच्छा है, है और हाँ बॉम्ब है और कुछ जगहों पे ज्यादा नजर जाती है mm. और बस खत्म शी इज फिट फॉर रिप्रोडक्शन दैट्स इट चाइल्ड बेरिंग कैपेसिटी है इसमें दैट इज इट गाइस को बस ये चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली जो मेल का बच्चा है mm. वो एक फीमेल की बॉडी में रहने वाला है तो अगर उसकी अगर वो उसके फिजिकल फिटनेस सही नहीं है mm. अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स है जेनेटिक डिफेक्ट्स है फेशियल डिफेक्ट्स है या फिर उसका फिगर सही नहीं है उसका जो हिप uh, रेशियो जो बोलते हैं वो अगर वाइड नहीं है तो वो बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी हेल्दी तरीके से तो गाइस का दिमाग ऐसा चलता है बट फीमेल्स का दिमाग ऐसा चलता है कि भाई बच्चे को तो जन्म दे दिया लेकिन लड़का तो भगोड़ा है लड़का है। दस लड़कियों के साथ घूम रहा है वो तो बच्चे को रेयर करने के टाइम पे तो है ही नहीं या फिर वो साइकोपैथ है या फिर वो अपने स्ट्रेंथ को गलत तरीके से यूज करेगा माइंड का कंट्रोल नहीं है उसके पास मेंटल कंट्रोल सो अब यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे जैसे आपने बोला कि लड़कियां दस बारह उनके साथ घूम रही है लड़कों के साथ घूम रही है तो दिस इज समथिंग विच इज़ अगेंस्ट देयर नेचर अगेंस्ट देयर बायोलॉजिकल नेचर ठीक है तो वो ऐसा क्यों कर रही है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक रीज़न तो ये है कि आज के टाइम पे कूल हो गया है बिल्कुल दूसरा रीज़न हो गया है कि मे बी लाइक फेमिनिज फेमिनिज्म ये लोगों को अभी अभी एक ऐसे हद तक पहुंच गया है कि वो बोल रहा है कि जो काम हर लड़के करते हैं वो आपको करना ही है मतलब एक कंपल्शन हो चुका है कि कि लड़के कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं मैं भी करूंगी अब यह चीज का लड़कियों के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि वो लोग आठ दस लड़, जो भी लड़की बोलेगी मैं अठारह बीस लड़कों के साथ घूम रही हूं वो मेंटल हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है क्योंकि उसके नेचर के अगेंस्ट जा रही है राइट गर्ल्स आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट एंड गॉयज आर लुकिंग फॉर वेराइटी दिस इज अगेन साइकोलॉजी की जो थियरी है हमारी अभी जो जनरेशन मुझे लगता है कि धीरे धीरे और ज्यादा इस चीज में चली जाएगी क्योंकि हम लोग ना यूएस कल्चर को बड़ा फॉलो कर रहे हैं बड़ा कूल हो गया है हाँ। कि थोड़े दिन इसके साथ रही यार हाँ। वाइब नहीं आ रही हाँ। पहले हम लोग क्या होते थे मैं अपना बताता हूँ कि अब तो बन गई ना बंदी अब तो हाँ। लाइफ टाइम चलना है मतलब ये सोच थी मेरी आजकल के बच्चों की क्या सोच है यार वाइब नहीं आ रही तो क्यों खींचना है हम सोचते थे कि सामने वाले बंदे को ठीक कर लेंगे हाँ. अगर वो हमें पसंद नहीं आ रही कुछ हाँ. उसको सुधार लेंगे. हाँ. लेकिन आज वो अच्छा अब एक चीज बताओ ये आपने जैसे ये फैक्ट्स वाले चैनल्स पे आप मोदी जी के बारे में बड़ी मैंने देखा की तारीफें करते हो रीजन चलो मैं भी मोदी जी का भगतू मैं मोदी जी का भगतू कहीं जनता मेरे गाली लग जाए पहले बता देता हूँ लेकिन मैं पूछ पूछा तो, आप इतनी ज्यादा तारीफी इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो देखिए मैं हम कोई भी वीडियो को ना किसी एक पर्टिकुलर बिकॉज सिंपल सी बात है हुँ. हर कोई जानता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है बहुत पहले से हुँ. ही था फैक्ट चैनल तो बाद में आया गौरव ठाकुर जो अभी का जो चैनल है जिसका नाम चेंज हुआ पहले गेट्स इट फैक्ट नाम था हुँ. तो ये अभी आया बट उससे पहले तो मैं साइंस वीडियोस बनाता था उसमें तो मोदी जी का कहीं पे जिक्र नहीं था तो हमें कोई फंडिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिल रही ना ही कोई लिंक है हमारा हम जो कंटेंट बनाते हैं उसमें हम बिलीव करते हैं तो हम ये ट्रूली बिलीव करते हैं कि इंडिया में अभी बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया एक बहुत ही एक एक ऐसे दौर में था जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे अब वो वहाँ से उभर के एक बहुत अच्छे दौर में आ रहा है इंडिया में एक नेशनलिज्म की स्पिरिट जाग रही है जो कि फ़र्स्ट थिंग है क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको कॉन्फिडेंस जागना ज़रूरी है तो उसी तरीके से आपको देश की ज़िंदगी बदलनी है देश के दिन बदलने तो आप देश में कॉन्फिडेंस देश में नेशनलिज्म इज दैट कॉन्फिडेंस बढ़ना ज़रूरी है तो वो चीज़ें चल रही है अभी तो ऐसे में हम का एक को अननेसेसरीली ऐसे वीडियोस बनाए जो गवर्नमेंट को या यू you नो know, चीज़ों को खाली आ, वो करे डाउन प्ले करे और हमने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें हमने क्रिटिसिज्म भी किया है कुछ चीज़ों का बट मोस्टली हम ज्यादा फोकस करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में और मेरा जो एक फंडामेंटल लुकआउट है इसको मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ दी डिपार्टमेंट्स में मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स में इंडिया अच्छा कर रहा है आप भी जानते हो अभी जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी हमें मिली mm. इतने लेवल पर सारे बहुत सारे जो लीडर्स है वर्ल्ड लीडर्स वो इंडिया को रिकोगनाइज कर रहे हैं एज अ एज अ अपकमिंग पावर राइट इंडिया एक, एक 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 अच्छे खासे आ, आ, बड़े स्केल की इकोनमी बनती जा रही है इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ये इसीलिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं हम लोग को एजुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है देश कैसे बदल रहा है इन चीज़ों में राइट right. और डेवलपमेंट में इंडिया का एक ही दिन में तो इंडिया बदलने नहीं वाला डेवलप्ड कंट्री नहीं बनने वाला इट्स अ प्रोसेस वो प्रोसेस चालू हो चुका है जिसके हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं धीरे धीरे करके हमें दिख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही है लोगों की मानसिकता बदल रही है पॉलिसीज़ आ रही है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा जो स्किल्स को बढ़ा देगा इंडियंस में हम जो बात कर रहे थे रोड लर्निंग के बारे में रट्टा मारते मारा जाता था पहले ये सब पुरानी पॉलिसीज़ है ये सब कोलोनियल रेलिक्स है जो गवर्नमेंट ने अभी जो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे में बोला था कि गोल्डन uh, रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं ठीक है फाइव तो उसमें से एक ही है कि हमें कोलोनियल माइंडसेट को हटाना है फिर चाहे वो कोलोनियल माइंडसेट हो ब्रिटिशर्स का या मुगल्स का हमें कोलोनियल माइंडसेट हटाना है क्योंकि इंडिया फर्स्ट नो रिलीजन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट ठीक है अगर हम रिलीजन को भी पहले लेके इंडिया को सेकेंड uh, लेते तो वो भी गलत है टोटली totally. क्योंकि इंडिया में तो दस रिलीजन्स हैं तो क्या दस रिलीजन तो अगर प्रायोरिटाइज करते रहे तो देश सबसे लास्ट में आ जाएगा राइट तो इंडिया की नींव ही वैसे बनी हुई है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही ऐसा बना हुआ है कि वो सारे रिलीजन को एक तरीके से देखता है सेक्युलरिज्म जिस सेक्युलरिज्म जिसको हम कहते हैं राइट सो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं हम बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में अभी देखिए आपने आदि पुरुष देखी नहीं लेकिन मैंने सुना उसके बहुत सुने हैं हाँ तो क्या कहना चाहोगे ऐसे कि जो बेसिकली हम रामायण हमने पुरानी रामायण देखी थी और एक नई रामायण मॉडर्न रामायण तो उसकी फेवर में क्या है आपको? फेवर मैंने सिर्फ हाँ। मतलब मतलब right? तो वो सही नहीं है बिकॉज उससे ये चीज होती है कि लाइक like, वैसे ही इंडियंस लोग को हमारे कल्चर के बारे में हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके बारे में वैसे ही उनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता और अब आप एक नया स्टोरी बना रहे हो और उसको उनके ज्ञान को जो ज्ञान है उनको वो भी बदल रहे हो तो वो सही नहीं है कल्चरल लेवल पे राइट right? तो मुझे लगता है कि आप 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 पैसे कमाना चाहते हो हिंदूस के ऊपर ये वीडियो है बोल के या फिर ये वीडियो यू you नो know, हिंदू रिलीजन के ऊपर है या ट्रेडिशंस के ऊपर है और फिर आप वही वहीं पर स्टोरी को ही चेंज कर दे रहे हो तो आप लोगों को सस्ता मज़ा तो दे दे रहे हो अभी ऑन द स्पॉट कि चलो एंटरटेनमेंट मूवी मिल गया लेकिन लॉन्ग रन में आप उस कल्चर को मिटाने के तरफ आप जा रहे हो राइट right. क्योंकि लोगों को जब अपने कल्चर का सही से ज्ञान नहीं है hmm. तो फिर वो वो क्या ही अपने कल्चर के के के, के तरफ प्राउड होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है कि रिलीजन का, का काम बस सिर्फ एक है वो ये है कि नॉलेज सही नॉलेज हम तक पहुँचाना बिल्कुल अपने कल्चर अपने ट्रेडिशंस को रिटेन करके पुराने ज़माने में बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो आज के टाइम पे आप बोलोगे अंधविश्वास है तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के खिलाफ बोल दिया द मोमेंट हम ये चीज़ बोलने लगें कि धर्म के खिलाफ बोल दिया तो हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे तो इस बदलते इस प्रकृति के बदलते हुए मंजर को हम कैसे झेल पाएंगे हम चेंज को नहीं झेल पाएंगे क्योंकि जो नॉलेज वो टाइम पे काम काम में था आज वो नॉलेज काम में नहीं है आज चीज़ें बदल चुकी है तो इसीलिए आई बिलीव कि जितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है लोगों के लाइफ में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है और रिलीजन एक माध्यम है जिससे बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलता है वेदाज में जो भी उपनिषद में जो भी चीज़ें लिखे हैं वो उस ज़माने के हिसाब से बेस्ट ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे वो लोग उस जमाने hmm. तो उन्होंने उस ज़माने के हिसाब से उनके ऑब्जर्वेशन्स uh, का बेस्ट एक्सप्लेनेशन था लेकिन आज ज़माना थोड़ा एडवांस हो रहा है और भी चीज़ें और भी चीज़ें ऐसी आ रही है जिसके हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें अपनी थियरी को बेटर करना है जो काम उस वक्त ऋषि मुनिष करते थे आज वो काम साइंटिस्ट कर रहे हैं राइट राइट नॉलेज गेन और नॉलेज सर्व सो रिलीजन के चक्कर में नॉलेज को मत भूलिए और ये समझिए कि रिलीजन का पर्पस क्या है रिलीजन hmm. का पर्पस ये नहीं है कि हमें एक आफ्टर लाइफ देना hmm. कि हमें स्वर्ग में जगह मिले रिलीजन का पर्पस ये है कि हमें सही नॉलेज मिले ताकि हम स्वर्ग यहां पे बनाएं राइट सो ये मेरा नजरिया है तो गाइस मुझे गौरव भाई का नज़रिया बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा लगा तो आप भी मैं ये कहूँगा कि अपने कमेंट्स में जाके बताना कि इनका कौन सा फैक्चुअल बात आपको सबसे प्यारी लगी तो गौरव भाई ये बताओ आप कि आपको इस शो पे आगे कैसा लगा सो so, मुझे तो सबसे पहले मस्त एड्रेनलिन रश मिल रहा है क्योंकि अभी हमें पाँच मिनट में निकलना है, हमारी, <laughs> है। so, हम में हमारी फ्लाइट है सो हम दिल्ली में आए और हमारी फ़्लाइट है एट फोर्टी फाइव की फ्लाइट है अभी कितने बज रहे अभी हो गया है एग्जैक्ट बज हाँ. और अभी यहाँ से एक घंटे की ट्रैवल है फोर्टी फाइव मिनट से एक घंटे की ट्रैवल है सो हाँ. so, मुझे भागना पड़ेगा बट <laughs> बहुत अच्छा लगा मैं मैं चाहता था कि मैं पॉडकास्ट में आऊँ और इन्होंने भी इनवाइट किया तो मैंने बोला कि अभी करते हैं तो हम हम मे बी आगे कभी करते थे लेकिन अभी हो गया पॉडकास्ट सो so, आपका क्या ख्याल है मेरा ख्याल ये है मैं इसको और ले जाना चाहता था लेकिन टाइम की कमी की वजह से ये चीजों के लिए क्योंकि थे, आ, जिन पे मैं बात करना चाहता था लेकिन अब कोई नहीं दूसरा घर हो गया पिछले छह महीने में चार बार आ चुका हूँ तो बहुत बढ़िया भाई तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील दे दो यार तुम्हारे मुंह से क्या पता ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाए बेशक सब्सक्राइब करिए आशीष भारद्वाज जी के चैनल को और जैसे आप जानते हैं कि ये इन्होंने सोशो पुल कंपनी खोली है मतलब चला रहे हैं ये जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है सो so, बहुत जानकार इंसान है और धंधा इनको साइंस इतना नहीं समझता लेकिन इनको कॉमर्स बढ़िया समझता है <laughs> <laughs> और आज के ज़माने में हर कोई यही कह रहा है मोदी जी भी यही कह रहे हैं हमारी सरकार भी यही कह रही है कि भाई आंट्रप्रेनोर बनो रोजगार क्रिएट करो इंडिया को आगे बढ़ाओ बिल्कुल भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय विज्ञान तो बाय बाय गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत बोलना बेस्ट पार्ट को न्यू एपिसोड में मिलेंगे न्यू पर्सनैलिटी के साथ जल्दी ही बाय बाय सी यू सोन